आई थिंक इसके बारे में आपको लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं. हु ऑल आर विद मी, यू सॉ द सॉन्ग या जो ईशान से एक्सपेक्ट है ना, जो पब्लिक जानती है वो आपको सॉन्ग देखने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, लिटरली बता रहा हूँ मैं. और बाकी लॉन्च होने के बाद आप, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए. और उसमें जो तुम्हारा किस्से ना, वो जैसे ईशान के बारे में बोला जाता है कि इमरान हाशमी 2.0, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा. आई एम लविंग इट यार. मतलब मुझे लगता है प्यार सिखाना, बांटना और करवाना, तीनों ही चीज़ बहुत अच्छी है. और लोग अगर उस चीज़ को और ज़्यादा प्यार देना, तो फिर तो और ज़्यादा प्यार करके दिखाना चाहिए. एंड आई थिंक इस गाने में तो अभी एक ही स्मूथ सीन है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एक ही स्मूथ सीन की ज़रूरत थी. बट मैं चाहता हूँ कि हमारे अगले गानों में 16 किसिंग सीन्स हों, 32 किसिंग सीन्स हों, फिर 7 किसिंग सीन्स हों, सो पीपल विल लव इट मोर. तभी तो एंड में पकड़े गए. काश भगवान की आंखों के नीचे से छोरी ना हो जाती तो मैं पकड़ा ही ना जाता. नहीं, आई थिंक वो एक मैसेज भी है कि अगर भगवान के हाथों के नीचे से आप हीरे चुरा के लेके जाओगे तो एंड में पकड़े जाओगे. तो एंड में ना मेरे पास लड़की बचती है और ना हीरे. सो एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज टू एवरीवन. बुरा बुरा होता है. यस एग्जैक्टली, वो मैंने जो लॉर्ड बुद्धा के हाथों से जो मैं हीरे चुरा के लेके गया, तो एंड में देखो ना मेरे पास गोलियां बची और ना लड़की बची और सब कुछ लेके चले गए बॉस हमारे. बॉस के बारे में तो बहुत सॉन्ग आप देख ही रहे हो कैसा है. और आप एक भाई ने, अमृत भाई ने किया पहले कि चलो एक सॉन्ग करते हैं, तो उसके बारे में कि ईशान भाई को जैनब को लेते हैं और एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कैसा रहेगा. तो उसके बाद भाई ने सोचा चलो ठीक है करके देखते हैं एक बार कैसा होगा. तो फिर उसके बाद अब आगे आपने देख ही लिया, गाना लॉन्च हो चुका है हमारा, कैसा आगे आगे फिर और चलता रहेगा. अपना जो चैनल है आगे जाना नहीं है, इसी पे काम कर रहा है. मैंने सॉन्ग के अंदर आपके और जैनब के हॉट सीन भी देखे, आपका क्या कहना है उस बारे में? बाद में ऐसे ही होता है, जहाँ पैसा डॉलर दिखता है वहाँ सब. उनका कहने का मतलब है कि बॉस तो बॉस ही होता है. बॉस तो बॉस ही होता है. आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि आई थिंक पीपल हु ऑल आर वॉचिंग मी ऑन रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर, सो दे आर वॉचिंग माई रील्स इन अ रोमांटिक स्टाइल, इन अ वेरी वाइल्ड स्टाइल, इन अ वेरी सेंशुअस वे, या फिर डांसिंग नंबर्स. बट आई थिंक ये गाने में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, जो कि लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर भी रहे हैं. एंड आई थिंक फॉर मी ऑल्सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज इट्स मोर ऑफ एक्टिंग. एंड वो धूम 2 की मुझे याद आ गई मूवी की, जो जिसमें जो ऋतिक रोशन है वो चोरी करके लेके जाता है मूर्ति के नीचे से. तो आई थिंक अभी मुझे जब तक इमरान हाशमी 2.0 का टैग मिलता था, सो आई थिंक हो सकता है कि आगे ऋतिक रोशन 2.0 का टैग मिले. अभी देखो इस पार्ट में लड़की हाथ से गई है, अभी यू नेवर नो कि अगले पार्ट में वो लड़की फिर किसके पास आने वाली है.